असलकम जी कैसे हैं आप सब लोग तो आज की स्टार्टिंग जो हुई है वो मेरे भाइयों से हुई है जो कि इन लोग जब एयरपोर्ट से आए थे जबकि व्लॉग है और ये वाला व्लॉग मैंने डाला नहीं था ये वाली क्लिप जो है मैंने सोचा ये वाले व्लॉग में ऐड कर देते हैं तो दोनों भाई माशाल्लाह से आए थे हमारे तीन आए हाँ आए थे क्योंकि मेरी आंटी का जो बेटा है मेरा कज़िन मतलब वो भी साथ में आए थे क्योंकि भाई की इंगेजमेंट हुई तो तीनों को आना बनता है तो माशाल्लाह से मेरा छोटा वाला भाई तो साढ़े तीन साल में आया था और जो बड़े वाले भाई हैं वो तो अभी मंगनी में मेरी हो के गए थे आठ महीने पे आए हैं ठीक है और जो आंटी के बेटे हैं वो भी अभी आठ महीने नौ महीने पहले ही आए थे उसके बाद आए हैं तो तीनों माशाल्लाह से साथ में आए थे और जो घर की क्लिप मैंने डाली जब भाई लोग आए थे जब मम्मी का रिएक्शन कैसा था वो डाला है और माशाल्लाह से माशाल्लाह बोलिएगा मेरे भाइयों को किसी की नज़र ना लगे और जो वहाँ की एयरपोर्ट की क्लिप है तो वो एयरपोर्ट की क्लिप मैंने डाल दी थी तो हमने सोचा कि ब्लॉग डाला नहीं था ये वाले के लिए मेरा ब्लॉग छोटा पड़ता है कम से कम नौ मिनट की वीडियो तो डालनी चाहिए आप लोग के लिए है आपको इंतज़ार रहता है मेरे ब्लॉग का तो हमने सोचा चलो इसमें पहले स्टार्टिंग कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे बन रहे हैं प्यारे प्यारे से मंगोड़े जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं हम लो, हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं हम लोग के सारे दिन में भी हम लोग बना लेते हैं मंगोड़े में मूंग की दाल भिगो के पीस लेने का है उसमें हरा मिर्चा दो डाल कि आप लेकिन बाद में आप काट के भी डाल सकते हो लेकिन हम काट के डालते हैं और उसमें जरा सी बेकिंग सोडा मिला लें तो काफ़ी अच्छे से फ्लफी फ्लफी से बन जाएंगे और नमक मिला के हरी धनिया मिला के तल लेते हैं ज़्यादा कुछ नहीं और ये हमारी आलू की टिक्की थी चाट वाली और ये गाजर का हलवा मेरे ससुराल से आया हुआ <laughs> तो ये है हमारी चाट वाली टिक्की यमी यमी सी और ये हमारे मंगोड़े हैं और हमने बनाए थे आलू का चालू और उस टाइम पे हमारे मेहमान भी आ गए थे तो हमने चलो मेरे दस्तर ख़ान पर और ज़्यादा बरकत हो गई कि मेहमान भी आ गए मेहमानों का भी कहते हैं रिस्क जिसका जहाँ बदल होता है इंसान वहीं खाता है तो बस थोड़ा थोड़ा सा सबने खाया माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बरकत हो गई तो ये है दूसरे दिन का फ्राइडे का व्लॉग और यहाँ पर हमने ले लिए हैं पच्चीस काजू डबल वाले और उसमें हमने डाल लिए हैं तीन से चार इलायची हम बना रहे हैं नवाबी चिकन और उसमें डाल लिया है हमने गरी का बुरादा और थोड़े से हमने काट के थोड़ी सी घिस के डाल दी थी और तीन से चार वो जो केसर के जो बाल वैसे होते हैं ना लच्छे हाथ चम्मच से निकल ही नहीं रहा निकल ही नहीं रहा हमने छोड़ा हाथ से ही निकाल के डाल देते हैं और हम बना रहे थे नवाबी चिकन जो कि बड़ा फेमस है दावतों वाला आप घर पे ट्राई करें काफ़ी मतलब सब इम्प्रेस हो जाएंगे ऐसा नवाबी चिकन है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इसके बाद हमने इसको दूध डाल के मिक्सर में पीस लिया था जो हमने आपको दिखाई के लिए वो मिक्सर में पीसी हुई की है तो यहाँ पे हमने चिकन ले लिया था चिकन में हम मैगनेशन पहले कर लेंगे हम यहाँ पे अदरक लहसन का पेस्ट डाल दिए और ये हमने प्याज को तल के जो पीस लिया था उसका पेस्ट है ज़्यादा मुलायम पीस नहीं है थिक थिक सा होगा बिल्कुल और ये जो हमने काजू गरी और इलायची के पेस्ट को दूध के साथ पीसा था वो है हम इसे आपको बिल्कुल सही सही बता देंगे और यहाँ पे हमने डाल दिया दही जो कि बिल्कुल हमने हैंग करके रख दिया था टांग के रख दिया था बिल्कुल उसके बाद हमारा उसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो बिल्कुल निकल जाएगा और यहाँ पे हमने डाल दिया है काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर पाउडर आपके पास ना हो तो आप गर्म मसाला भी डाल सकते हो तो गर्म मसाला भी पड़े पड़ेगा और थोड़ी सी इसमें डाल दी हमने हल्दी एक चम्मच के करीब और उसके बाद हमने डाल दिया रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें हमारे यहाँ थोड़ा सा तीखा पसंद करा जाता है लेकिन बट इतना भी तीखा नहीं कि बिल्कुल खा ही ना पाए बस अपने हिसाब के अपने मतलब इंसान को बनाते बनाते पता चल जाता है ना कितना चम्मच डालना है कितना नहीं है इंसान को एक आइडिया हो जाता है और यहाँ पे हम रहे हैं लेमन जो कि उसमें बिल्कुल जूस ही नहीं कर रहा है मेरे लेटे लेटे मेरे तो रात में मैंने सोचा कि आज आज फ्राइडे है तो आज भाई भी ऐसे भाई दिन भर सोया ही करता है तो यहाँ पे नमक भी हमने डाल दिया था और सोया तो करता है तो आज वो जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ने जाएगा और उसके बाद खाना घर पे ही खाएगा तो इसलिए हम सोचा आज नवाबी चिकन बनाते हैं और तंदूरी रोटी मंगवाते हैं बिल्कुल दावतों वाला और यहाँ पर हमने तेल भी डाल दिया था तेल इसमें भी हमने मैरिनेशन में भी डालना है और जब हम बघाल लगाएंगे उसमें भी डालना है ने कहा पूरा ही तेल डाल दो बाद में जो रिफाइन रिफाइन बटर वटर डालना तो डालना बस इसको हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया धनिया पाउडर के बाद गर्म मसाला डाल दिया आपको आपके पास धनिया पाउडर ना हो ना धनिया पाउडर से ज़्यादा अच्छा कुटा हुआ धनिया जो नहीं होता है वो डाल सकते हैं मेरे यहाँ कुटा हुआ धनिया था नहीं तो जो इसलिए हम लोग ने धनिया पाउडर डाल दिया था धनिया पाउडर गरम मसाला डाल के पाँच मिनट के लिए हमने रख दिया तो ज़्यादा नहीं पाँच मिनट भी नहीं रखना है हमने दो मिनट के लिए रखा उसके बाद हमारा फ्राई पान हो गया उसमें हमने पूरा उठा के खट्टा डाल देने का है जब हम पूरा बाउल उठाएंगे और पूरा बाउल डाल देंगे उसके बाद धीमी धीमी आंच में इसको गला लेंगे और फिर हम इसको हरा धनिया हरा मिर्चा के साथ भून लेंगे ये देखिए कितना अच्छा सा बिल्कुल आ रहा है इतना अच्छा बना था ना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर बनाएंगे तो हमने इसलान के लिए भेजा था इसलान तो को भी बड़ा पसंद आया बड़ी तारीफ़ें कर रहा था वो भी उसको भी बहुत पसंद आया तो हमने सोचा रेसिपी डालना तो बनता ही है फिर तो ये बस हम इसको हल्का सा धीमी सी आँचें भून लेंगे और हम इसको ढक के रख देंगे जब तक हमारा जो मुर्गा है वो टेंडराइज ना हो जाए उसके बाद जब मुर्गा हमारा अंदर से टेंडराइज हो जाएगा उसके बाद हम सर्व करेंगे इन तो ये देखिए हल्का सा भून रहा था तेल हमारा जो है वो ऊपर आ गया था अब थोड़ा सा गला गलने में रह गया तो हमने फिर से रख दिया धीमी धीमी आँच पे धीमी आँच में ज़्यादा अच्छे से गल जाएगा और यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो यमी यमी सा हो गया अम्मी ने कहा चलो मिक्स करके दिखाते हैं दिखाओ सबको कितना अच्छा बनाया है और सबको पसंद आया इन शाला आपको रिएक्शन भी डालेंगे भाई का भाई को बड़ा भाई ने कहा ऐसे ही बनाया करो रोज़ <laughs> फिर से बना ला हमने कहा अब हमने कहा नहीं फिर से नहीं ये देखो अम्मी आज चेक करके दिखा रही हैं बहुत अच्छा सो हो गए तो ये और मलाई टिक्का तो हमारे यहाँ सबका फेमस है और यहाँ पे हरा मिर्चा हमने डाल लिया है एक एक हरा मिर्ची की दो करके धनिया थोड़ी सी थोड़ा सा इसमें कड़वापन भी आ जाएगा थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा ये ये देखिए कैसा खतरनाक सा बिल्कुल लग रहा है जबरदस्त सा आप लोग प्लीज ट्राई करिएगा इनशाला संडे को ट्राई करिएगा जब आपकी पूरी फैमिली घर पे हो तो खाने में मज़ा आ जाएगा बिल्कुल तो ये देखिए ये हमारा फाइनल लुक है जो कि हमने आपसे शेयर किया और अम्मी ने फिर प्याज भी काट ली थी मूली भी मंगवा ली थी क्योंकि आज टाइम जाड़े चल रहे हैं तो मूली बहुत ज़्यादा मीठी आ रही है और किसको किसको और किसको किसको मूली खाना पसंद है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा छैलां जाते हैं ना छह फ़ोन खाए थे पर देना मूली बहुत दिन बाद मिली दाल कैसा बना बताना कैसा बना, है। है बना तो ये रहा था भाई का रिएक्शन बड़ा मजा लगा बड़ा ज़बरदस्त बना उसके साथ अमीने बनाए थे मटर के चावल बहुत ही अम्मी अम्मी से बने थे तो ये रहा आज का हमारा लंच फ्राइडे का फ्राइडे को माशाल्लाह से बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है बहुत सबके घर में बनता है फ्राइडे को क्या आम डेली यूज डेली यूज़ कर रहे हैं डेली ही बनता है बट फ्राइडे को ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करिए और यहाँ पे अम्मी जा रही थी मेरे घर के सामने बड़ी उम्मी रहती हैं तो वो उम्र करने वो जा रही थी और दोनों उनके बेटे हैं जामी भाई और इस्माइल दोनों लोग उम्र करने माशाल्लाह से तीनों लोग जा रहे थे क्योंकि पूरी फैमिली जा रही थी तो अम्मी मिलने जा रही थी सारी स्माइल भाई, भाई जा रहे है स्माइल से छोटा है कितना तो क्या हुआ भाई तो लगा दे तो क्या हुआ अल्लाह पाक दुआ करो हम भी उमरा करने जाएं तो आमीन आमीन चप्पल नीचे रखी हुई आज क्योंकि पूरे जीने की धुलाई कर रही थी बत्ती तो जला दे बंद करके गए देखो कुंडी बंद बाहर से खुलवा रहे बाय उसके बाद अम्मी चली गई थी मिलने तो हमें खाना खाना था तो हम खाना खाने लगे थे खाने में मलाई टिक्का बना था और मटर पुलाव मटर पुलाव ऐसे ही सादे वाले बने थे और उसके बाद हम आ गए थे छत पे दिखने और अभी तक अम्मी मिल के आई नहीं थी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था तो माशाल्लाह से उम्रा करने गई थी अम्मी कह रही थी और हम वो पहले वो मिलने आई थी तो हम मिल लिए थे इसलिए हम गए नहीं थे लेकिन बहुत अच्छा लगा मिल के